खबर झालावाड़ से। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के सामिया गांव में रविवार को एक बोलेरो वाहन मवेशियों को बचाने को लेकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे अलाव ताप रहे लोगों के सर टकरा गिरी। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए सुनेल थाना अधिकारी मनसी राम बिश्नोई ने बताया कि आज प्रातः करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है, जब एक बोलेरो वाहन सुनील की ओर जा रही थी, उसी दौरान समिया गांव के समीप सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के दौरान बोलेरो वाहन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे दुकान पर बैठकर अलाव ताप रहे लोगों पर जा चढ़ी। हादसे में मौके पर बैठे जगदीश धाकड़, भैरूलाल मेघवाल और गिरधारी मेहवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों में आनंद फानंद में घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुनेल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर अनुसंधान जारी किया। तो वो पट्टी गई, बड़ी गई पट्टी सड़क के, उन 2-3 आदमी के लगी। 3 आदमी के हाँ, 2 के लगी। 2 के लगी, कितनी लगी उनके? ज्यादा लगी, कोई ज्यादा लगी। एक तो बसा पे था जो उना के तो कम लगी ने, एक के लगी थोड़ी चामड़ी आमड़ी फाट गई। फिर उसके बाद हमको मारपीट किया, मारपीट किया, गाड़ी तोड़ी, गाड़ी तोड़ी पूरी को, हमारे साथ मारपीट की बहुत ज्यादा।